आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम मावा बनाने जा रहे हैं जो कि काफी मिठाइयों में यूज होता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। चलिए हम मावा बनाना शुरू करते हैं। हमने फुल गैस पर कढ़ाई रख दी है और हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसको हम कढ़ाई में पलट देते हैं। सबसे पहले हम दूध को उबाल लेते हैं। 1 किलो दूध में कम से कम 250 ग्राम मावा निकलता है। आप दूध फुल क्रीमी लें। हमें दूध को लगातार चलाते रहना है। यदि हम चलाएंगे नहीं तो हमारा दूध नीचे लग जाएगा। दूध में उबाल आ चुका है लेकिन फिर भी हमको इसको लगातार चलाते ही रहना है और गैस हम अपनी धीमी कर देंगे क्योंकि मावे में केवल चलाने का ही काम होता है और तो कोई काम होता नहीं है। इसलिए चलाते रहेंगे तो हमारा मावा बहुत अच्छा बनेगा। ये हमको 20-25 मिनट लगातार चलाना है और यदि आप थक जाएं तो घर में किसी की मदद भी ले सकते हैं और आप गैस आप चाहें तो थोड़ा मीडियम भी कर सकते हैं लेकिन हाई ना करें। हाई में एकदम थोड़ा जला जला हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा मावा। हमारे दूध को 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। देखिए हमारा दूध काफी कम हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अभी 10-15 मिनट इसको और लगेंगे तैयार होने में। 20 मिनट बाद हमारा मावा ऐसा हो गया है। करीबन 5 मिनट और लगेंगे। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, किनारों से छुटाते हुए तले तक ले जाकर इसको चलाना है जिससे हमारी मावा तले में ना लगे। हम जो मावा बना रहे हैं जब ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दो तो समझो हमारा मावा तैयार है। देखो मार्केट में तो बहुत नकली मावे मिलते हैं लेकिन घर में जो मावा बनाते हैं उसकी मिठाई बनाने का तो अलग ही बात है। यदि आप इसे तेज भूनना चाहें तो तेज भून सकते हैं लेकिन वैसे हमारा मावा बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम बाउल में पलट लेते हैं। देखिए हमारा घर का बना हुआ मावा तैयार है। आप यदि घर में बनाएं तो आप इसी तरीके से बनाएं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज के साथ। धन्यवाद।